Audio Jungle. नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आज की मुख्य बड़ी खबर। देश से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आया है। वायुसेना प्रमुख बोले हैं, चीन हमें हरा नहीं सकता, लद्दाख में पोजीशन मजबूत है हमारी, दो मोर्चों पर जंग के लिए हम तैयार हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने सोमवार को साफ कहा, उत्तरी इलाके में मजबूत हालातों में चीन के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है वो हमें हरा सके। लद्दाख में हमारी पोजीशन मजबूत है और दो मोर्चों पर हम जंग के लिए तैयार भी हैं। झारखंड से अगली बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, अनियमित बिजली आपूर्ति से शहरी उपभोक्ता तबाह हैं। झारखंड के गोड्डा शहर में इन दिनों अनियमित बिजली आपूर्ति से उपभोक्ताओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से बढ़ रही उमस भरी गर्मी के साथ साथ हो रही बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। बारिश और खराब मौसम के बाद शहरी फीडरों में बिजली आपूर्ति ठप कर दी जाती है। शहर के फीडर 1 में लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अनियमित बिजली की आपूर्ति से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। झारखंड के 3 जिलों के PLV को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। गोड्डा प्रधान जिला एवं सन न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार सत्य प्रकाश सिन्हा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोड्डा ने गूगल मीट पर गोड्डा, जामताड़ा एवं पलामू के पारा लीगल वॉलेंटियरों का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। रिसोर्स पर्सन के रूप में पैनल अधिवक्ता रवि रंजन चतुर्वेदी ने प्रशिक्षण दिया। इस दौरान उन्होंने मौलिक अधिकार पर विस्तृत प्रकाश डाला। मौलिक अधिकार की आधारभूत संरचना के संबंध में कहा कि संविधान की मूल अवधारणा को नहीं बदला जा सकता है। आर्टिकल 14, 19 और 21 पर उन्होंने अपने विचार दिए। कहा कि ये मूल अधिकार हैं, जबकि 32 और एवं 26 आर्टिकल को हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने का अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि सभी को संविधान व मौलिक अधिकारों की जानकारी रखने की जरूरत है। अगर आप झारखंड में दुर्गा पूजा का आयोजन करना चाहते हैं तो हेमंत सोरेन के गाइडलाइंस को आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर झारखंड में दुर्गा पूजा का आयोजन करना चाहते हैं तो झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार का गाइडलाइंस को पालन करना जरूरी है। 8 अक्टूबर से कंटेनमेंट जोन से बाहर धार्मिक स्थल लोगों के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। दुर्गा पूजा के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बहुत ही अनिवार्य हो गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार दुर्गा पूजा का आयोजन छोटे पूजा या पंडाल या मंदिरों और घरों में किया जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ही अनिवार्य है। दोस्तों, पूजा पंडाल को ऐसा बनाया जाएगा ताकि बाहर से मूर्ति ना दिख सके और श्रद्धालुओं की भीड़ ना लगे। पूजा पंडाल को खुला रखने को कहा गया है। दोस्तों, पूजा पंडाल खुला रहेगा लेकिन मूर्ति आप बाहर से नहीं देख सके। झारखंड के मोहराबादी मैदान में जुटे धनबाद के 250 से 300 अभ्यर्थी, कहा नमक रोटी खाएंगे लेकिन बिना बहाली की डेट लिए नहीं जाएंगे। धनबाद से रांची के मोराहाबादी मैदान में पहुंचे हैं नव चयनित होमगार्ड अभ्यर्थी, कहा पूर्व CM रघुवर दास और CM हेमंत सोरेन ने सिर्फ आश्वासन ही दिया है। गृह रक्षक वाहिनी के नव चयनित अभ्यर्थी सोमवार को रांची के मोराहाबादी मैदान में जुटे हैं। अभ्यर्थी का कहना है कि जनवरी 2017 में धनबाद में निकली बहाली के लिए उन्होंने फॉर्म भरा। फिजिकल, लिखित परीक्षा, मेडिकल टेस्ट और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद हमें बहाली की प्रक्रिया पूरी करने की जानकारी दी गई। रांची में ट्रेनिंग की बात कही गई लेकिन 3.5 से ज़्यादा का समय हो गया लेकिन हमें बहाली की प्रक्रिया और ट्रेनिंग के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली। हमें पूर्व के CM रघुवर दास और वर्तमान CM हेमंत सोरेन से आश्वासन मिला है लेकिन अब हमें अपनी मांगों को लेकर मोराहाबादी मैदान में जुटे हैं। जब वह तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा, हमें बहाली प्रक्रिया शुरू करने और ट्रेनिंग डेट नहीं बता दिया जाता, हम यहां से नहीं जाएंगे, भले हम लोगों को यहां नमक रोटी खाकर गुजारा क्यों न करना पड़े। झारखंड के जामताड़ा से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रहा है। पहाड़ी धंसने से 3 महिलाओं की मौत हो गई है। घर की रंगाई के लिए सफेद मिट्टी निकालने गई थी, 7 घंटे के बाद निकाले जा सके हैं उनका शव। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड के देवल बाड़ी पंचायत की घटना है यह। 3 JCB से इसका रेस्क्यू किया गया। नारायणपुर प्रखंड के देवल बाड़ी पंचायत अंतर्गत मिर्गा पहाड़ी में घर की रंगाई पुताई के लिए सफेद मिट्टी निकालने गई 3 महिलाओं की मौत पहाड़ी के चौल धंसने के कारण मिट्टी में दब गई। घटना सोमवार सुबह
करीब 8 बजे की घटित हुई है। घटना की सूचना पाकर जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, जिले के उपायुक्त फैज अहमद मुमताज, डीएसपी अरविंद कुमार उपाध्याय, सीओ केदारनाथ सिंह, थाना प्रभारी अजीत कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अरविंद दास टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और करीब 7 घंटे तक पहाड़ी पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 3 जेसीबी के माध्यम से महिलाओं की लाश निकाली गई। ये 3 महिलाएं नारायणपुर थाना क्षेत्र के चैनपुर के ककरीबाद टोल की रहने वाली है। झारखंड के जमशेदपुर से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। अपराधियों ने बुजुर्ग महिला और उसके बेटे के साथ मारपीट की, बीच बचाव करने पहुंचे ग्रामीण तो कर दी फायरिंग, जिस पर 2 घायल हो गए। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र की घातकीटी का यह मामला है। घायलों में एक को TMH जबकि दूसरे को MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायरिंग की सूचना के बाद CTSP सुभाष चंद्र मौके पर पहुंचे, जबकि इस मामले में एक को हिरासत में ले लिया है। झारखंड से एक बड़ी खबर और खुलकर सामने निकल कर आ रही है। राज्य में 15 अक्टूबर से नहीं खुलेंगे स्कूल, क्योंकि बच्चों को महामारी में नहीं झोंक सकते, कहा शैलेश चौरसिया ने। झारखंड शिक्षा परियोजना के राज्य परियोजना निदेशक हैं शैलेश चौरसिया। कहा, विभाग की नज़र झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में फैले कोरोना पर है, हम अपने बच्चों को इस पर नहीं झोंक सकते। झारखंड के सरायकेला से एक बड़ी खबर सामने खुलकर आया है। PLFI के 2 नक्सली कार्बाइन और कट्टा के साथ गिरफ्तार किया गया है। सरायकेला जिला पुलिस को वाहन जांच अभियान के दौरान चौका थाना क्षेत्र के NH 33 पर उरमाल के पास मिली यह कामयाबी। सराय जिला पुलिस ने वाहन जांच अभियान के दौरान चौका थाना क्षेत्र के NH 33 पर उरमाल के पास से PLFI की नक्सली सीताराम सूरी व लाल सिंह महाली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। झारखंड के ही सिमडेगा में मछली पकड़ने के दौरान 20 घंटे तक बाढ़ में फंस के रह गया एक अधेड़ आदमी। इन NDRF की टीम ने उसकी बचाई जान। अधेड़ व्यक्ति रविवार की शाम नदी के बीच जाकर मछली पकड़ रहा था, तभी बाढ़ आ गई। रात से ही नदी किनारे व्यक्ति के परिजन, पुलिस की टीम व ग्रामीण कैंप कर रहे थे। पानो थाना क्षेत्र स्थित कोयल नदी में रविवार की शाम 3 बजे एक अधेड़ व्यक्ति मछली पकड़ने के दौरान बाढ़ में फंस गया। जान बचाने के लिए वो नदी के बीच चट्टान पर चढ़ गया और मदद के लिए आवाज लगाई। लोगों ने उसे देखा तो फौरन पुलिस ने इसकी जानकारी दी। रात होने और बाढ़ का पानी काफी तेज होने की वजह से उसे सोमवार करीब 20 घंटे बाद NDRF की टीम की मदद से बचाया जा सका। झारखंड के गिरिडीह में एक बड़ा हादसा हो गया। बोलेरो पलटने से 2 युवक की मौत हो गई। 5 दोस्तों के साथ कोलकाता से घूमकर लौट रहे थे लोग। कोलकाता से बिहार के छपरा जा रही एक बोलेरो तीसरी थाना क्षेत्र पालमो में सोमवार की अगले सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बोलेरो पर सवार 2 युवकों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल हो गए। बोलेरो में 7 युवक सवार थे, सभी पश्चिम बंगाल के दीघा घाट घूमने गए थे। वहाँ के बाद सभी कोलकाता पहुँचे। इसके बाद रविवार की रात कोलकाता से छपरा के लिए निकले थे। सोमवार सुबह करीब 4 बजे ग्रेडी गांव पथ पर पलमो में बोलेरो को पीछे से एक बड़ी गाड़ी ने टक्कर मार दी। इससे बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। मृतकों में 34 वर्ष अनुपम सिंह एवं 35 वर्ष चिंटू पांडे शामिल है। दोनों छपरा जिले के एकमा थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। 5वों घायलों का श्री सामुदायिक अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। झारखंड के दुमका की एक घटना सामने खुलकर आया है। पेड़ काट रहे युवक की ग्रामीणों ने कर दी पिटाई, बंधक बनाकर एक आंख फोड़ दी। डीएसपी पहुंचे तब ग्रामीणों ने इसको छोड़ा। सूचना के बाद डीएसपी मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों को समझाकर बंधक को छुड़वाया गया। शिकारी पड़ा क्षेत्र के इंदरबनी गाँव की घटना है यह। सराय दाहा गाँव के आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया। जिले के शिकारी पड़ा क्षेत्र के इंदरबनी गांव में पेड़ काटकर लकड़ी चोरी कर रहे एक युवक की सोमवार को ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद आरोपी की एक आंख भी फोड़ दी। इतना सब कुछ करने के बाद ग्रामीणों ने आरोपी को बंधक भी बना लिया। उधर घटना की जानकारी के बाद DSP नूर मुस्तफा अंसारी मौके पर पहुंचे, ग्रामीण को समझाकर आरोपी को कब्जे से मुक्त कराया और इलाज के लिए दुमका ले गए।
झारखंड में कोरोना वायरस के 816 नए कोरोना मरीज मिले, जबकि 4 लोगों की जान गई है, 1284 लोग ठीक भी हुए हैं। झारखंड में कहां कितने मरीज मिले हैं मैं आपको पूरा रिपोर्ट बता रहा हूं। झारखंड में नए मरीजों की रांची से 319, बोकारो से 50, चतरा से 8, देवघर से 7, धनबाद से 43, दुमका से 8, पूर्वी सिंहभूम से 70, गढ़वा से 35, गिरिडीह से 22, गोंडा से 9, तुमका गुमला से 12, हजारीबाग से 20, जमताड़ा से 6, खूंटी 32, कोडरमा 3, लतेहार से 11, लोहरदगा से 9, पाकुड़ 7, पलामू 18, रामगढ़ से 28, साहिबगंज से 8, सरायकेला से 47, सिमडेगा से 17 व पश्चिम सिंहभूम से 27 नए मरीज मिले। दुर्गा पूजा से पहले राज्य में 28 ट्रेन चलाने की तैयारी। 16 रांची से अगले सप्ताह राज्य सरकार अनुमति दे सकती है। लॉकडाउन के 6 माह बाद दुर्गा पूजा से पहले झारखंड से 28 ट्रेनें शुरू हो सकती है। इनमें 16 ट्रेनें रांची से चलाएंगी। रांची रेल मंडल के ADRM अजीत सिंह यादव ने राज्य के परिवहन सचिव के रवि कुमार को प्रस्ताव भेज दिया है। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।